10 भूतों ने दी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, जंजीरों में जकड़ कर आए थे भूत। गर्जन बोले जंजीरें खोली तो हो जाएगा बवाल, कोई संभाल नहीं पाएगा इन आत्माओं को। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के साथ कराया भूतों का पेपर, देखते रह गए लोग। लोग बोले ऐसी तस्वीर आज से पहले जीवन में कभी नहीं देखी, पास बैठे लोगों ने डर डर कर दिया अपना पेपर। हाल ही में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे जानकर दुनिया हैरान है, हर आदमी अचंभे में है, क्योंकि आज से पहले आपने कभी ऐसा मामला नहीं सुना होगा। अब आप ही बताओ, अगर आपको कोई कहे कि एक परीक्षा केंद्र पर 10 भूत एक साथ परीक्षा देने आए तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि पत्रकार पागल हो गया है, कैसी बेहूदी बातें किए जा रहा है। हमें भी पहले यही लगा था, पर ये सच है, एक ऐसा सच जिसे जानकर हर आदमी हैरान है। दरअसल यूपी के एक परीक्षा केंद्र पर एक लड़की के साथ 10 भूत जंजीरों में जकड़कर परीक्षा देने पहुंचे। नजारा देख हर आदमी हैरान रह गया। जब वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने हिम्मत करके जंजीर खोलकर भगाने का प्रयास किया तो परिजनों ने कहा ऐसा भूलकर भी मत करना, नहीं तो इन आत्माओं को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कहानी है क्या, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी है यूपी के महाराजगंज जिले की, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पिछले दिनों एग्जाम सेंटर पर पहली पाली की परीक्षा शामिल होने एक महिला की जब जांच की गई तो उसने लोहे की चैन को कपड़े में बंध कर कमर पर फंसा रखा था। परीक्षा केंद्र पर जब सिक्योरिटी ने चैन को हटाने को कहा तो छात्रा के परिजनों ने कहा इसे हटाया नहीं जा सकता, चाहे परीक्षा हो या छोड़नी पड़ जाए। इतना ही नहीं, छात्रों के परिजनों का कहना था कि अगर इसे हटा दिया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक छात्र को किनारे पर खड़ा रखा गया। बाद में अधिकारियों से बात करने के बाद निरीक्षणकर्ता की विशेष निगरानी में उसकी परीक्षा को संपन्न कराया गया। बता दें सिपाही भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन की पहली पारी में परीक्षा देने आई महिला छात्रा की जब सुरक्षा जांच की गई तो मेटल डोर डिटेक्टर से आवाज आने लगी थी। इस पर उसके परिजनों ने बताया कि भूत के साए को भगाने के लिए उन्हें तांत्रिक ने सुझाव दिया कि वह अपने कमर में लोहे की चैन से खुद को बंद करके रखे। उनका कहना था कि लड़की भूत के साए से परेशान, कई भूत उसके ऊपर सवार, फूंक और तंत्र मंत्र करने वाले की सलाह पर शरीर पर 11 लोहे की मालाओं को बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 10 भूत उस पर छोड़े गए। जब जांच की गई तो उसके पास कोई नकल के दस्तावेज नहीं मिले। कक्ष निरीक्षक को विशेष पर्यवेक्षक का निर्देश दिया गया। उसके बाद कमर लॉक में बंद छात्रा को निगरानी के बीच परीक्षा में बैठाया गया। हालांकि ये मामला अब चर्चाओं में है। रिपोर्ट।